नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर एक बड़ी खबर ये है कि टनल के अंदर ऑगर मशीन भी फंस गई है और उसे काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर और चंडीगढ़ से लेजर कटर मंगवाया गया है और दोनों मशीनें सिलक्यारा टनल पहुंच चुकी हैं। इन मशीनों से पाइप में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड्स को और पार्ट्स को काट कर निकालने का काम जारी है, जिसका वीडियो न्यूज 18 के पास है और वीडियो एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रखे हैं किस तरह से काम चल रहा है। और पार्ट को काट कर निकालने के बाद मैन्युअली स्कैप टनल की जांच होगी। आपको बता दें, पिछले दो दिनों से काम आगे नहीं बढ़ पाया है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में दिक्कतें आने से तीन दिनों में करीब 2.2 मीटर की आगे पाइप बढ़ पाई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक दो दिनों से काम आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि लगातार अब कोशिश ये की जा रही है मैन्युअली ही निकाला जाए सभी मजदूरों को, क्योंकि 10 मीटर का जो डिस्टेंस बाकी बचा है उसमें ऑगर मशीन फंस गई है और ऑगर मशीन के ब्लेड्स को भी काटने की कोशिश अब की जा रही है। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेज़ी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो ऑगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में, उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगवाया गया है, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ पाएगा। हालांकि अभी तक काम रुका हुआ था और अब एक बार फिर से काम शुरू हो गया है। कटर के ज़रिए अब ऑगर मशीन को काटा जा रहा है ताकि डायरेक्टली पहुंचा जा सके मजदूरों तक। तो प्लाज्मा कटर ऑगर मशीन के लिए मंगवाया गया हैदराबाद से और उसके बाद अब आगे काम बढ़ा है, लेकिन पहले जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द मजदूर बाहर आ जाएंगे, उसमें अब थोड़ी सी मुश्किल आ गई है, लेकिन अब प्लान बी पर काम किया जा रहा है। तो सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। टनल में मेन एंट्री पॉइंट के साथ अब दूसरे ऑप्शंस पर भी काम किया जा रहा है। शनिवार शाम को वर्टिकल ड्रिल का काम शुरू हो गया, जिससे एक सही ऑप्शन अब माना जा रहा है। यहां से 84 मीटर वर्टिकल ड्रिल की जा रही है जो कि 1.2 मीटर व्यास की होगी और रात भर टनल के ऊपर चलता रहा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम, जिसका वीडियो न्यूज 18 के पास है और हम आपको दिखा रहे हैं। 45 मीटर तक अभी तक ड्रिलिंग का काम किया गया था। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब आगे बढ़ रहा है। थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आई, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं। सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, अभी की क्या तस्वीर है, कैसे चल रहा है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब ऑगर मशीन जो फंस गई है अंदर, अब उसे काटकर मैनुअली निकाला जाएगा मजदूरों को। सीनम, क्योंकि जो ऑगर मशीन पिछले तीन दिन से फंसी पड़ी है उसको काटने का जो काम है वो शुरू हो गया, क्योंकि प्लाज्मा मशीन पहुंच चुकी है और चंडीगढ़ से एक और मशीन यहां पे आई जो उस मशीन को काट रही है। अभी उसका काम बड़ी जोरों से है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि पिछले एक से दो घंटे में वो काम पूरा हो जाएगा। और उसके बाद उसी, चूँकि जो यहाँ पर जो टनल स्टार्ट, जो ये टनल का मेन पॉइंट है, यहीं से वो रेस्क्यू का काम चल रहा था जहाँ ऑगर मशीन अंदर अभी फंसी है। और जो 800 mm का जो डाई का जो पाइप अंदर करीब 49 मीटर पहुंच चुका था, उसके अंदर एक बार फिर जो मैन्युअली तरीके से वहां जो टीम जाएगी और वो ये जांच करेगी कि अब आगे किस तरीके से जो हडल्स हैं, क्या वो हैं या क्या कुछ आगे हो सकता है, वो पूरा एक जांच करेगी। जांच के बाद ये आगे की प्रक्रिया शुरू होगी कि बताई जा रहा, क्योंकि आर्मी के यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है और आर्मी के साथ जो एक्सपर्ट की कुछ लोग जो लगातार उस, क्योंकि मात्र 10 मीटर का आगे का पैच है,
उस 10 मीटर के पैच को हटाने के लिए आर्मी और जो कुछ एक्सपर्ट हैं जो टनल के अंदर काम करते हैं, टनल जो एस्केप टनल है उस एस्केप टनल में मैन्युअली तरीके से उसमें कटिंग की जाएगी। और अभी तक जो जानकारी ये मिल पा रही है कि जो ऑगर मशीन भी वहाँ पर रहेगी। ऑगर मशीन भले ही जो बोरिंग का काम अभी तक कर रही थी वो काम ऑगर मशीन नहीं करेगी। और अगर ऑगर मशीन केवल जो पाइप जो 800 mm का जो पाइप है उसे पुशअप का यानी उसे धक्का देकर पल्ली पार निकालने का काम करेगी, और जो कटिंग का काम होगा वो मैन्युअली तरीके से किया जाएगा। उसमें आर्मी को की मदद ली गई है, उसमें एक्सपर्ट यहाँ की टीम जो यहाँ पहुँच चुकी है उसकी मदद ली जाएगी। तो ये दोनों जो टीमें मिलकर जो मैन्युअली काम करेंगे, उसके बाद जो स्पेस तैयार होगा उसको ऑगर मशीन जो पुशअप करेगी वो 800 mm का जो पाइप है उसको। तो ये अभी एक प्लान जो सामने आया है। दूसरा प्लान जो हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात लगातार कर रहे हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग में 1.2 डायमीटर का पूरा ड्रिलिंग होनी है, लेकिन उसको उससे पहले अभी ये जानकारी मिली है कि RVNL की टीम वर्टिकल काम करना शुरू कर दिया है और वो फिलहाल 6 mm यानी 6 mm का एक पाइप इंस्टॉल कर रही है, यानी 6 mm का एक गड्ढा तैयार कर रही है। वो करीब 25 से 30 मीटर उन्होंने गड्ढा तैयार भी कर लिया है, और उसके बाद जो SJVNL की जो टीम है जो बड़ी मशीन के साथ 1.2 डायमीटर का गड्ढा तैयार करेगी यानी कि उससे ऊपर वर्टिकल ड्रिल करेगी। तो उसके बाद ये शुरू किया जाएगा, यानी पहले ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई जो टनल में जो लोग हैं उनको कोई खतरा तो नहीं। इस खतरे को भांपने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पहले जो छोटी टनल तैयार की जा रही है 6 mm की, और उसके बाद ही जो 1.2 डायमीटर की जो टनल बनेगी जो रेस्क्यू का काम करेगी उसको भी शुरू किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी अभी जो दो जो प्लान है उन पे काम किया जा रहा है। सीनम बिल्कुल सत्येंद्र, जैसा कि आपने बताया कि अब दूसरे प्लान पर चूंकि काम किया जा रहा है, सामने से अब नहीं निकाला जाएगा मजदूरों को, वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही है, यानी कि प्लान बी पर भी काम शुरू हो गया है। अगर हम सामने से बात करें, क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि अगर ऑगर मशीन को काट कर वहां से आगे बढ़ा जाता है, वहां से अगर मैन्युअली निकाला जाता है मजदूरों को, तो पहले जो 10 मीटर का डिस्टेंस बाकी था, लगभग कितना डिस्टेंस रह गया होगा अब बाकी? बिल्कुल सीनम, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो अभी बना है, यानी 10 मीटर का ही वो डिस्टेंस है। जब 800 mm की जो टनल का जो पाइप है वो पल्ली पार यानी कि जो उन मजदूरों जो 41 जिंदगियां पिछले 15 दिनों से वहां फंसे उन तक पहुंचेगा, ये 10 मीटर का ही वो पूरा गैप है। और उस गैप को दूर करने के लिए यहां पे आर्मी की भी मदद ली गई है, एक्सपर्ट की टीम यहां पहुंच चुकी है। वो ये वही एक्सपर्ट है जो छोटी टनलें होती हैं यानी कि छोटा स्पेस होता है वहां वो मैन्युअली तरीके से काम करती हैं। उनके पास जो हथियार होंगे वो मैन्युअली हथियार होंगे, छोटे छोटे गैस कटर, छोटे छोटे ड्रिलिंग मशीनें, तो उसको काट काट कर वो वहां से मलबा बाहर करेंगे। और जैसे ही वो एक स्पेस तैयार करेंगे वैसे ही ऑगर मशीन पीछे से पुशअप करती रहेगी। ये अभी एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। अब इसमें वक्त कितना लगेगा ये अभी कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि मैन्युअली काम करना है, आगे किस तरीके से हडल्स आते हैं, अगर सरिया आएगी तो उनसे गैस कटर है उससे काटा जाएगा, बड़े हडल्स आएंगे तो उनके छोटी छोटी जो मशीनें जो लोग अपने साथ एक्सपर्ट की टीम जो अंदर लेके जाएगी तो उनसे काटना भी बड़ा आसान नहीं है। भले ये प्रक्रिया बड़ी जटिल है लेकिन अब हर प्रकार से उन लोगों की जो अंदर लोग फंसे उनको बाहर निकालने के जो प्लान से वो तैयार किए जा रहे हैं। हर प्रकार के यहाँ पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, क्योंकि जो उम्मीद अभी ऑगर मशीन पर थी कि पिछले 3 दिन से जो बंद पड़ी है, इसका बड़ा कारण यह है कि लगातार वहाँ पे जो सरिया, वहाँ पे जो अंदर जो टनल के अंदर का जो सरिया जो मलबे के साथ नीचे दब गया था, वो सरिया कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहा है। उस सरिया ने अब इतना बड़ा अवरोध पैदा कर दिया है कि जो टनल के जो ऑगर मशीन के आगे के जो ब्लेड्स होती हैं उसने पूरी ब्लेड को अपने चुंगल में ले लिया है, जिसके कारण अब जो प्लाज्मा मशीन यहाँ पहुंची है वो उन ब्लेड्स को काट रही है। अभी जो मैन्युअली, क्योंकि जब पहले यहाँ पे जब तक प्लाज्मा मशीन यहाँ पे नहीं पहुंची थी तो उनको मैन्युअली काटा जा रहा था, जिनको अगर हम बात करें कल सवेरे से आज सवेरे तक करीब 25 मीटर से 30 मीटर के बीच बताया जा रहा है कि उनको मैन्युअली काटा गया था, लेकिन जो ब्लेड हैं वो करीब 49 मीटर तक हैं, क्योंकि
49 मीटर पर हैं, जिसको काटने के लिए यहाँ पे प्लाज्मा मशीन बुलाएगी और प्लाज्मा मशीन अब काम कर रही है और वह उनको धीरे धीरे उम्मीद ये जता रही कि अगले 2 से 3 घंटे में प्लाज्मा मशीन जो कटर अंदर पहुँचे उनको पूरा बाहर निकाल लेगी और उसके बाद फिर मैनुअली तरीके से आर्मी के साथ जो एक्सपर्ट की यहाँ पे टीम आई है वो लोग अंदर जाएंगे और जो पहले जो सरिया है उसको काटेंगे, उसको बाहर लेके आएंगे, उसके बाद जितने प्रकार के हडल्स हैं या जितनी प्रकार के जो आगे का जो 10 मीटर का पैच है उसको मैनुअली तरीके से उसे काटेंगे और जब ये कटेगा जैसे ही जैसे वो कटेगा वैसे वैसे ऑगर मशीन से पुशअप किया जाएगा उस सब पाइप को। ऑगर मशीन का काम जो अभी तक का ड्रिलिंग का है उसको बताया जा रहा है कि अब ऑगर मशीन को ड्रिलिंग का काम नहीं दिया जाएगा क्योंकि लगातार सरिया लोहा और कई प्रकार के जो हडल्स हैं वो सामने आ रही हैं। तो अब उम्मीद अब ये जता रही कि जो मैनुअल तरीके से काम होगा और जो वर्टिकल तरीके से काम होगा अब ये फिलहाल ये दो ऑप्शन अभी दिख रहे हैं, यहाँ से एक राहत की सांस मिल सकती है और जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुँचा जाए इसके लिए हर प्रयास संभव किए जा रहे हैं। सत्येंद्र आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं, सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू प्रभावित हो सकता है, बर्फबारी से सुरंग में रेस्क्यू में देरी हो सकती है और रेस्क्यू करने वाले कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 दिन बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है, 27 नवम्बर से उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और इसकी वजह से माना जा रहा है कि रेस्क्यू प्रभावित हो सकता है। आज 15वां दिन है रेस्क्यू का और आज ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन के लिए बर्फबारी हो सकती है और इसका सीधा इफेक्ट पड़ सकता है रेस्क्यू पर। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। सत्येंद्र अभी वहां पर मौसम कैसा है एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, अभी तो धूप खिली हुई दिखाई दे रही है लेकिन अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। सिनम मैं आपको सीधे पहले मौसम की वो तस्वीरें दिखा देता हूँ, आप देखिए कि जो यहाँ पे क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। अगर ये क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट होगी तो यहाँ पे अगर मौसम की बात करें बड़ा ठंडा, अगर जैसे ही धूप खिलती धूप खिलने के साथ साथ थोड़ा गर्मी स्टार्ट होती है लेकिन जैसे ही धूप शाम को ढल जाती है उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल मौसम के जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। और जिस तरीके के मौसम विभाग ने अब चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन में बर्फबारी हो सकती है वो कहीं कहीं पूरे जो रेस्क्यू पे कहीं ना कहीं एक बड़ा खलल डाल सकता है क्योंकि यहाँ पे मौसम ऑलरेडी बड़ा ठंडा है, जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ऑलरेडी बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है लेकिन अगर मौसम भी अगर साथ न दे तो ये बड़ी दिक्कतें सामने हो सकती हैं। जी सिंह ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सत्येंद्र बर्तवाल। तो उत्तरकाशी टनल में फिलहाल ऑगर मशीन खराब होने से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है और मशीन को काटकर अब बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगवा ली गई है। एनडीएमए के मुताबिक अभी 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं और तीसरे को भी आजमाया जाएगा। एनडीएमए के मुताबिक ऑपरेशन लंबा खींच सकता है इसलिए मजदूरों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। उनके लिए गेम्स खेलने के लिए कुछ मोबाइल फोन अंदर भेजे गए हैं। एनडीएमए के मुताबिक आज ऑगर मशीन ठीक हो जाएगी और उसके बाद मैनुअली खुदाई करने का काम शुरू होगा। मशीन से पाइप को पुश करने का काम किया जा रहा है और कुछ वक्त इसमें लग सकता है। टनल के अंदर अब भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं और सभी की हालत ठीक बताई गई है। कल की तस्वीर आप देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, खुद समय समय पर मौके पर पहुंच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है। पीएम भी लगातार उनसे अपडेट ले रहे हैं। एक अस्थाई कार्यालय भी उन्होंने उत्तरकाशी में ही बना लिया है और वहीं पर मौजूद है। विज्ञान के साथ अब आस्था को भी जोड़ा जा रहा है। टनल के बाहर बने बाबा बोगनाग मंदिर में इंटरनेशनल ड्रिलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस संगठन के अध्यक्ष अर्नॉल्ड डिक्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और टनल के अंदर जाने से पहले वो भी मंदिर में माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द मजदूर बाहर आए।
देख सकते हैं आप विज्ञान के साथ साथ आस्था की ये तस्वीर, पहाड़ी इलाकों में ये देखने को मिलता है। देवी देवताओं में काफी विश्वास किया जाता है और बाबा बोगनाथ का ये मंदिर जो कि टनल के बिल्कुल बाहर मौजूद है। और टनल में जाने से पहले यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो कि यहाँ पर काम में भी लगे हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अंडरग्राउंड स्पेस संगठन के। न्यूजीलैंड की टीम टनल के एग्जिट पॉइंट पर भी पहुंची। बड़कोट से 5 किलोमीटर पहले टनल खुलनी है और यहाँ पर एक ऑप्शन है अंदर जाने का। बड़कोट की तरफ से करीब 1.5 किलोमीटर तक टनल बनी हुई है, लेकिन बीच में ही करीब 500 मीटर काम होना बाकी है। अभी इस ऑप्शन पर बहुत तेजी से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि मजदूरों को निकालने के लिए अगर इस तरफ से काम हुआ तो 20 से 30 दिन का और वक्त लग सकता है। नैनीताल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कोटाबाग ब्लॉक बाघनी पुल के पास हादसा हुआ, जिसमें कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। देवीपुरा सॉड रोड पर कार खाई में गिरी और करीब 500 मीटर नीचे खाई में गिरी है। कार दिल्ली नंबर की है। कार में सवार सभी लोग पर्यटक बताए जा रहे हैं। साथ ही कार हादसा 1 से 2 दिन पहले का ये बताया जा रहा है। अभी तक किसी को पता ही नहीं चला कि इतनी गहरी खाई में ये कार गिरी थी। आज ही हादसे का पता चला है और वहां पर काफी मलबा सड़क पर आ गया है। उस मलबे की वजह से रोड काफी संकरी हो गई है, लिहाजा गांव वालों का कहना है हादसे की वजह से सड़क पर जो मलबा आया है उसे बार बार कहने पर भी साफ नहीं किया गया। देहरादून में गड्ढे वाली सड़कों का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि बार बार खुद सीएम धामी को अधिकारियों को फटकार लगानी पड़ती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टर समिट से पहले सड़कें दुरुस्त होंगी? देहरादून में इन्वेस्टर समिट को लेकर जोरों शोर से तैयारियां हो रही है और उससे पहले 30 नवंबर तक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। रिस्पना बिंदाल जीएमएस रोड सहित कई जगह सड़कें चकाचक भी की गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सड़कें हैं जिससे गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही क्षेत्रीय विधायकों की इन पर नजर है। अब ये सड़क जब बन रही थी तो ये इतनी ही बनी है, देखिए आप, जो ये पूरा एरिया कवर भी नहीं किया गया है। और जब बरसात हो रही थी, इस वक्त बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, बहुत पानी हुआ है, टूटा है, हमारे उधर भी जंगल में भी काफ़ी कटा हुआ है। तो ये सड़क पिछली बार भी ऐसी कुछ हुआ था यहाँ पे, तभी इतना बनाया गया था, ये पूरा प्रॉपर नहीं बनाया गया, ढंग से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से कच्चा रह गया है। अब विधायकों का अपना दर्द है। उनका कहना है कि उनको काम करने में दिक्कत अधिकारियों की कार्यशैली के चलते आ रही है। मुख्यमंत्री खुद भी कई बार अधिकारियों को अल्टीमेटम दे चुके हैं। अरे मुझे दिक्कत, मुझ जैसे आदमी को दिक्कत है, जितना एक्सपीरियंस आदमी है, जो नगर निगम को भी जिसने चलाया, जो सरकार में भी बैठा हुआ है, 38 साल से राजनीति कर रहा है शहर के अंदर, क्या कुछ नहीं किया होगा मैंने 38 सालों में। मुझ जैसे आदमी को भी चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरियों से उलझना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, और उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो चला कौन रहा है इन अधिकारियों को? अब 30 नवंबर तक सड़कों का हाल कितना सुधरेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पीडब्ल्यूडी नगर निगम के साथ विधायकों को भी अपने क्षेत्र की सड़कों का हाल देख लेना चाहिए, नहीं तो गाड़ियां इसी तरह हिचकोले खाती रहेंगी और इन सड़कों पर कब हादसे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील फैक्ट्री में जीएसटी ने छापा मारा, 4 करोड़ की चोरी पकड़ी। बागेश्वर में हिंदुवादी संगठन के नेता पर रेप करने का आरोप लगने के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोटद्वार के गबर सिंह आर्मी कैंप में आज से शुरू होगी आर्मी भर्ती रैली। आईआईटी रुड़की में एलुमनाई अवार्ड सेरेमनी का आयोजन, 10 पूर्व छात्रों को अपने क्षेत्र में बेस्ट काम करने पर सम्मानित किया।
अल्मोड़ा में 30 नवंबर को करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। नैनीताल से सीएम धामी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। अल्मोड़ा के आर्मी पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव मनाया गया, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। काशीपुर में एक शराब व्यवसायी ने आबकारी अधिकारी के साथ अभद्रता की, कोतवाली में मामला दर्ज। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा संविधान दिवस को धूमधाम से मना रही है, 11,668 बूथों पर कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर चमोली में बैठक का आयोजन, भव्य बनाने पर चर्चा। बागेश्वर में उंगिया सोराग पुल के टेंडर दो साल पहले यहां पर जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब तक यहां पर पुल नहीं बना है।